हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे वीडियोस पर कमेंट आ रहे थे कि जो बड़वा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी गेज परिवर्तन के कार्य में कुछ हलचल देखने को मिली है। तो उसी के तहत आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बड़वा रेलवे स्टेशन की कवरेज, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट कवरेज है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो बड़वा रेलवे स्टेशन का जो ओंकारेश्वर रोड का जो छोर है, ये वही छोर है। यहाँ पर देखिए, आपको साफ़ सफाई का काम हुआ है। यहाँ से थोड़ा जो स्टेशन है उसको एक्सपांड किया जाएगा, तो उसके तहत जो ज़मीन समतल करने का काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। पर एक बात गौर करिए, अभी यहाँ पर ट्रैक्स नहीं उखाड़े गए हैं, जो बेसिक वर्क है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सामने आपको सफ़ेद कलर की दीवार दिख रही है, उसके पास आपको ज़मीन लेवलिंग का काम दिख रहा होगा। दोस्तों, ये जो है इस स्टेशन को यहाँ पर एक्सपांड किया जाएगा, क्योंकि बड़ी लाइन का स्टेशन है तो ये स्वाभाविक बात है कि जो मीटर गेज का स्टेशन था लगभग उतनी एरिया में तो ये स्टेशन बनेगा नहीं, तो इसको एक्सपांड किया जाएगा। दोस्तों, जो बड़ी लाइन का प्रस्तावित बड़वा रेलवे स्टेशन है उसके प्लान के अनुसार यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स रहेंगे और टोटल 3 ट्रैक रहेंगे। एक जो बीच वाला ट्रैक रहेगा वो थ्रू लाइन वाला ट्रैक रहेगा, और जो प्लेटफॉर्म के 2 ट्रैक रहेंगे वो लूप लाइन वाले ट्रैक रहेंगे। और दोस्तों, अगर हम बात करें बड़वा रेलवे स्टेशन की और बड़वा शहर की, तो काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, बड़वा शहर जो है वो खरगोन जिले की सबसे बड़ी तहसील में से एक है, शायद सबसे बड़ी ही तहसील है। दोस्तों, आज से 2 महीने पूर्व भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाया था, उस समय यहाँ पर कुछ भी गेज परिवर्तन कार्य की हलचल नहीं थी। किंतु जो अभी है, बड़वा स्टेशन पर बेसिक वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द यहाँ पर कार अपनी गति पकड़ लेगा, तो उसकी कवरेज भी आपको समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, पश्चिम रेलवे का अभी लक्ष्य जो है वो ये है कि खंडवा से बलवाड़ा तक जो है रेलवे लाइन को जोड़ना है, क्योंकि ये पूरा समतल एरिया है, इस एरिया में इतनी इनको दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। जो बीच में थोड़ा पेचीदा काम जो है वो सिर्फ है, नर्मदा नदी पर जो ब्रिज बन रहा है वो थोड़ा टाइम लेगा। इसके अलावा जो बड़वा रेलवे स्टेशन है और बलवाड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जैसे ही कार्य स्टार्ट होता है इन दोनों स्टेशनों पर, बड़वा एवं बलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर, तो काफ़ी जल्दी इन दोनों स्टेशनों के कार्य को संपन्न कर लिया जाएगा। उसके बाद इन दोनों स्टेशन की कनेक्टिविटी खंडवा से बहुत हद तक संभव है। दोस्तों, बलवाड़ा से महू तक तो बहुत टाइम लगेगा रेलवे लाइन बनने में, तो ये जो सेक्शन है हमारा बलवाड़ा से लेके ओंकारेश्वर रोड तक का, ये काफ़ी जल्दी बन के पूरा हो सकता है। तो जो भी अभी ट्रेन खंडवा से सनावा तक चल रही है, उस ट्रेन को आने वाले दिनों में, भविष्य में, खंडवा से बलवाड़ा तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पर ये कार्य होने में भी लगभग 2 साल के करीब तो लगेगा ही। दोस्तों, अब आप नज़ारा देख रहे हैं बड़वा रेलवे स्टेशन के बाहर का, यहाँ पर भी कुछ सिविल वर्क देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन से बड़वा की तरफ धीरे धीरे कार्य स्टार्ट हुआ है। अभी साफ सफाई का काम स्टार्ट हुआ है, ट्रैक की साफ सफाई का। इसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से ट्रैक को उखाड़ा जाएगा और फिर अर्थवर्क इत्यादि का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर स्टेशन निर्माण के कार्य को भी लगभग 1.5-2 साल लग सकते हैं, तो अभी 2025 तक आप ये मान के चलिए कि ये स्टेशन का निर्माण संभव है, 2025 के अंत तक। अब ये देखना है कि रेलवे इस कार्य को कितने जल्दी संपन्न कर लेता है। तो यह थी आज की कवरेज दोस्तों बड़वा रेलवे स्टेशन की। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। यहाँ पर जो हल्का फुल्का गेज परिवर्तन का कार्य स्टार्ट हुआ है वो खबर सुन के आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए एवं अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जो कि खंडवा, खरगोन, सनावत, बड़वा और इंदौर के हैं।